राधे राधे ऑल ऑफ राधे यू। राधे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। माता के रसोई में स्वागत है आपका। तो ये देखिए, यहाँ पर जो सामान है लड्डू बनाने का है, बेसन के लड्डू। तो मैं आपको बता देती हूँ कि बेसन के लड्डू में क्या क्या पड़ता है। यहाँ पर हमने ली है 400 ग्राम चीनी, और ये जो खरबूजे के बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, और ये इलायची के कुछ पीस हैं, जैसे 7 से 8 इलायची हैं हरी वाली खुशबू के लिए। और आप मेवा कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे और भी ज्यादा ड्राई फ्रूट यूज करने हैं, तो आप जितने मर्जी ड्राई फ्रूट यूज करो, वो आपके लिए आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है ना। और ये यहाँ पर काजू बादाम ड्राई फ्रूट के तौर पे, और आधा किलो दरदरा बेसन, जो कि बेसन के लड्डू में यूज होता है। बारीक वाला बेसन आप यूज मत करना, क्योंकि वो सब्जी में यूज होता है या पकौड़े वगैरह के लिए। लड्डू के लिए हमेशा दरदरा बेसन होता है, जो कि आप पंसारी की या किराने स्टोर पे जाकर बोलोगे कि हमें दरदरा बेसन चाहिए लड्डू के लिए, तो वो आपको वहां पर मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। और यहाँ पर हमने घी लिया है, जो कि आधा किलो उसमें घी डलेगा। हमारे पास तो पतंजलि ब्रांड का है, आपको जो ब्रांड पसंद है आप वो ब्रांड यूज कर सकते हैं। अगर आपको घी पसंद नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि किसी किसी को घी पसंद नहीं होता है, रिफाइंड ऑयल पसंद होता है। तो वो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है कि आप रिफाइंड से बनाना चाहें या फिर आप घी से बनाना चाहें। वैसे घी से ज्यादा टेस्टी बनते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हम बेसन को भूनेंगे। तो यहाँ पर ये जो बेसन है, सबसे पहले हम इसको छान लेंगे, ताकि इसमें से अगर कोई लंप्स वगैरह है तो वो निकल जाए। तो चलिए, अब सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। जो यहाँ पर 400 ग्राम चीनी है, आधा किलो बेसन में 500 ग्राम मतलब बेसन में 400 ग्राम चीनी यूज की है मीठे के तौर पर। ओके, तो सबसे पहले हम चीनी की चाशनी बनाएंगे। ये हमने किया फ्लेम को ऑन, यहाँ पर हमने बर्तन रखा, ये देखिए स्लो फ्लेम पर ये अपने आप पिघलेगी। अब पिघलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ क्या होगा इसका। ये जो चाशनी तैयार हो जाएगी उसके बाद आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। स्लो फ्लेम पर हमने ये चाशनी बनाने के लिए रख दी है, और ये जो बेसन है इसको छान कर बाद में भूनेंगे, पहले हम चाशनी तैयार करेंगे। ये चाशनी बनने के बाद आपको दिखाएंगे कि चाशनी जो है वो किस तरीके से तैयार हुई है। ओके, थोड़ा सा वेट करते। ये देखिए चाशनी में अच्छा सा उबाल आ गया है, और ये ब्राउन, और ये देखो ये जो फ्लेम है ये ऑफ कर दिया, और ये कितना डार्क कलर है इसका, ठीक है। अब इसको हम किसी बर्तन में पलट कर रख देंगे, ताकि ये ठंडा हो जाए, और ठंडा हो जाने के बाद इस चीनी को पाउडर फॉर्म में पीसना है। मतलब जब ये ठंडी हो जाएगी तो काफी कड़क कड़क जैसा हो जाएगा, एक क्रिस्पी सा, जैसे एक डेला होता है ना, कड़क कड़क खांड जैसा, वो इस टाइप से बन जाएगा। और उसको हमें मिक्सी में डालकर पाउडर फॉर्म में पीस लेना है, तो वह क्रिस्पी सा पाउडर तैयार हो जाता है, जिससे उसको इस बेसन में डालना होता है। जब बेसन भुन जाएगा तो उस क्रिस्पी पाउडर को, चीनी के क्रिस्पी पाउडर को इसमें डाल देते हैं, ताकि जो लड्डू में जो क्रिस्पीनेस आता है ना, वो इसी चाशनी के पाउडर फॉर्म की वजह से आता है। तो बस इसके ठंडे होने का वेट करते हैं, और उसके बाद हम तब तक हम ये बेसन भून लेंगे। ओके, देखिए हमने इस वक्त अभी कढ़ाई में बेसन डाल दिया है, इसको अच्छे से ब्राउन होने तक भूनेंगे, और इसमें थोड़ा सा घी भी डाला है। बेसन को, दरदरे वाला जो बेसन है उसमें थोड़ा सा घी डाला है, ताकि अच्छे से भुनने में उसको मदद मिले, और बहुत अच्छा कलर हो जाए, ब्राउन से भी थोड़ा सा और डार्क हो जाए। तब तक हम इसको भूनते रहेंगे, ताकि इसमें कड़वापन ना रहे और कच्चापन ना रहे, ठीक है। तो चलिए अब वेट करते हैं इसके ब्राउन होने का, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका ब्राउन होके कलर कैसा हो जाता है। ओके, तो ये देखिए, ये है बेसन, और ये अच्छा सा ब्राउन हो गया है भुनकर, और इसमें मम्मी ने बहुत सारा घी डाल दिया, ठीक है। और ये है ड्राई फ्रूट, आप देख रहे हो, ये भी बारीक काट लिए हैं। और ये जो आप पाउडर फॉर्म देख रहे हो ना मिक्सी के जो जार में, ये जो चीनी थी ना जो आपके सामने भूनी थी, ये पाउडर फॉर्म कर लिए सुखा के, ठीक है। तो ये जो है बेसन के लड्डू में यूज आने वाली है, और थोड़ी क्रिस्पी जो करके लड्डू लगते है ना, इसकी वजह से लगते हैं, क्योंकि ये चाशनी बनाने के बाद जब पाउडर फॉर्म किया जाता है तो क्रिस्पी क्रिस्पी एक पाउडर फॉर्म रेडी होता है। इसी से लड्डू जो है बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। और देखो बेसन भी अच्छे से भुन गया था, और घी की वजह से कितना चिकना और कितना सॉफ्ट टेक्सचर तैयार हुआ है, ठीक है ना। तो फाइनली देखते रहो, अभी तो अभी थोड़ा सा पानी भी डालो। हाँ, अब इसमें पानी भी पड़ेगा। ये देखो कितना सुंदर गाढ़ा टेक्सचर तैयार हो रहा है। बस इसको तैयार होने में बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा, फिर आपको इसका लुक दिखाते हैं फाइनल। ओके, तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि बेसन का टेक्सचर कैसा तैयार है। अब आप इसमें उबाल देख रहे हो, जो घी के साथ उबाला था, काफी अच्छी महक आ रही है। जब आपको महक आने लगे तो आप इस तरीके से पानी के छींटे लगाते जाएं, और इसको अच्छे से चलाते जाएं। बस थोड़ा सा छींटा मारना होगा। तो ये देखो ये छींटे डाले हैं,
पानी के इस तरीके से छींटे लगाने हैं और इसको चलाते रहना है। इस तरीके से एक बहुत अच्छा पेस्ट तैयार होगा, जैसे मोतीदार दाने होते हैं ना कुछ इस तरीके से दरदरा दरदरा, तो जो बेसन का टेक्सचर होता है ना वो तैयार हो रहा है ये पानी डालने की वजह से। ठीक है, बीच बीच में जैसे ही गाढ़ा टेक्सचर तैयार होता है तो थोड़े थोड़े से छींटे लगाने और जल्दी जल्दी से इस तरीके से चलाते रहना है। देखो कितना सुंदर मोतीदार टेक्सचर तैयार हो रहा है बिल्कुल लड्डू के लिए। थोड़ा सा और वेट करते हैं। ये आप इसमें देख रहे हो हल्के हल्के से झाग, जो इसमें झाग देख रहे हो ये झाग जैसे हट जाएंगे और बिल्कुल एकदम शांत हो जाएगा ये बेसन का टेक्सचर और काफी ब्राउन सा और बहुत प्यारा सा लगेगा। तो बस उसके बाद ये समझ लो तैयार हो गया मिक्सर। फिर इसमें हम ये पाउडर फॉर्म की जो चीनी है वो इसमें डाल देंगे। तो बस 2 मिनट के बाद इसमें आपको जो चीनी का जो पाउडर है वो डालकर दिखाते हैं, ओके, किसको किस तरीके से लड्डू का टेक्सचर तैयार करना है। ओके, तो ये देखिए बेसन हो गया है बिल्कुल रेडी। अब फ्लेम को करेंगे ऑफ। ठीक है, ये फ्लेम को ऑफ की, ये देखो कितना सुंदर गाढ़ा टेक्सचर तैयार हुआ है ना, कितना प्यारा लग रहा है इसको। अब इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे जो बारीक काटे हुए थे। कितना सुंदर लग रहा है लुक, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है देसी घी की, लिमिट से ज्यादा पूरी किचन में खुशबू बहुत ज्यादा फैली हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और लड्डू को बनाते वक्त जो भोग बन रहा है ठाकुर जी के लिए, तो मम्मी को बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आज बसंत पंचमी है, तो मम्मी का मन था कि ठाकुर जी को अपने हाथ से कुछ घी का प्रसाद, तो लड्डू का भोग बनाया मम्मी ने ठाकुर जी के लिए। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है टेक्सचर, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। और तो अब ये देखो इसमें जो चीनी का जो पाउडर फॉर्म है इसमें डाल देंगे तुरंत, इसको गरम के गरम ही मिक्स कर लेंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और जो चीनी का जो पाउडर फॉर्म है हल्का सा क्रिस्पी इसमें टेक्सचर आएगा खाते वक्त, और जो है काफी हद तक ये इसमें मेल्ट हो जाएगा। तो बहुत ही इसमें गरम गरम होता है तो उसी वक्त मिला लेना चाहिए ताकि अच्छे से मिल जाए, क्योंकि बाद में अगर मिलाएंगे तो उतना अच्छे से मिल नहीं पाएगा और सूखा सूखा पाउडर जो है वो अलग से बिखरा हुआ सा नजर आएगा। गरम में डालने की वजह से ये जो पाउडर फॉर्म डाला है गरम में, तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा और पिघल जाएगा। तो गरम में डालने से ही फायदा है, तो आप भी इसको गरम गरम जो टेक्सचर होता है उसी वक्त चीनी का जो पाउडर फॉर्म है वो डाल दें, फ्लेम बंद कर दें। ठीक है, आप इसको अच्छे से मिक्स होने के बाद जो फाइनल लुक है वो मैं आपको दिखाऊंगी, तब तक थोड़ा सा वेट करते हो। ओके, तो ये देखिए चीनी मिक्स करने के बाद ये टेक्सचर तैयार हो गया, अब लड्डू बनने लग गए। जैसे सारे लड्डू रेडी होते हैं तब आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। ओके, ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं लड्डू गरम गरम, कितने खूबसूरत, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, और मम्मी तो लगी पड़ी है लड्डू बनाने से, और स्माइल भी बहुत अच्छी है ये देखो बिल्कुल लड्डू जैसी। तो थोड़ा सा और वेट करते ताकि पूरे लड्डू रेडी हो जाए। ओके, तो ये है लड्डुओं का फाइनल लुक, और ये देखो कितनी प्यारी मिठाई बनकर रेडी हुई है। तो आप भी ये मिठाई बनाएं, खाएं, अपनी फैमिली को भी खिलाएं, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी और जल्दी बन जाने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट रेसिपी, तब तक के लिए राधे राधे, राधे।